हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पर, जहाँ पे आज हम अगेन आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग सी फाइबर से भरपूर बेबी कॉर्न की रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 8 से 9 बेबी कॉर्न लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके दोनों साइड का उनका वेस्ट निकाल दिया है और कुछ इस तरह से बीच से कट करते हुए थोड़ा सा इसका वाइट पोर्शन हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि खाने में ये थोड़ा इरिटेट करता है, इसलिए हमने इसे हटा दिया है। और इस तरह से हम इसे 2 पार्ट्स में कट कर रहे हैं और सभी बेबी कॉर्न्स को हमें इस तरह से साफ़ करके कट कर लेना है। उसके बाद हम इसे 15 मिनट्स के लिए स्टीम करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और एक छन्नी में से रख के ऊपर से ढक दिया है। स्लो फ्लेम पर हम इसे रख देंगे। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है, लाल, पीली, हरी, मैंने तीनों ही ली हैं। टमाटर और प्याज सबको मैंने लंबा लंबा इस तरह से चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चढ़ा रहे हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाला है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप जो वेजिटेबल ऑयल खाते हो आप उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और जब हमारा सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से सरसों के दाने। और उसके बाद जब हमारा सरसों के दाने चटक जाएंगे तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। करीब 1 चम्मच पेस्ट यहाँ पे हम डाल रहे हैं। गैस हमारी स्लो फ्लेम पर है। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हमारी अनियन, जो हमने थोड़ा लंबा चॉप करके रख रखी है, उसे यहाँ पे हम डाल देंगे। और उन्हें हमें फ्राई करना है गोल्डन पिंक होने तक। और जब वो अच्छे से गोल्डन पिंक कलर की हो जाएंगी तो हमें यहाँ पे मिक्स कर देना है हमारी शिमला मिर्च। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बेबी कॉर्न की ये रेसिपी। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे चाहें तो ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं ब्रेड से, या इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। चलिए, प्याज हमारी भून गई थी, हमने यहाँ पे शिमला मिर्च मिक्स कर दी है। और शिमला मिर्च को भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इस तरह से चलाने वाली हूँ। ज़्यादा सॉफ्ट अभी हमें इसे यहाँ पर नहीं करनी है, बस 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि इसकी रॉयस ख़त्म हो जाए। हम यहाँ पर इसे सोटे करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर मिलाने वाले हैं हमारे बेबी कॉर्न्स, वो भी हमारे स्लो फ्लेम पर 15 मिनट्स में अच्छे से स्टीम हो गए हैं। और उन्हें हम यहाँ मिक्स कर देंगे और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से चलाने के बाद करीब 5 मिनट के लिए इसे हम ढक के रखने वाले हैं। गैस को हमें स्लो फ्लेम पर ही रखना है। चलिए, 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट बाद एक बार इसे अगेन हम चला देते हैं। आप देख सकते हैं तेल भी अलग हो गया है। और अब हम यहाँ पर मिक्स करने वाले हैं थोड़ी सी सॉसेस और मसाले हम यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ मसालों में सबसे पहले हम डाल रहे हैं करीब 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स का बहुत अच्छा टेस्ट हमारी सब्ज़ी में आता है। उसके बाद यहाँ पे हमने डाला है 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक आपको अपनी टेस्ट और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ करना है। मैंने करीब 1/2 चम्मच नमक यहाँ पर डाला है। और उसके बाद यहाँ पर हम डालने वाले हैं 1/2 चम्मच करीब ही किचन किंग और 2 चम्मच सोया सॉस यहाँ पे हम डाल रहे हैं। एक बार सभी मसालों को और सोया सॉस को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अब हम मिक्स करने वाले हैं इसमें करीब 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। इस सब्ज़ी में आप चाहें तो सॉसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, हमने ग्रीन चिली सॉस यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर हम डालने वाले हैं 1 स्पून वाइट विनेगर। और साथ में हम यहाँ पे मिक्स करने वाले हैं सारी वेजिटेबल्स को एक बार अगेन। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 चम्मच हमारी टमाटो केचप, और उसे भी हम सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सब्ज़ी को अच्छे से चलाने के बाद हम इसे बिल्कुल 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे स्लो फ्लेम पर। और 10 मिनट बाद आप देखेंगे सब्ज़ी अच्छे से तेल छोड़ देगी और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। बस यहाँ पे अब हम डालने वाले हैं चॉप धनिया और उसके बाद हमारी सब्ज़ी तैयार है सर्विंग के लिए। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक शेयर वीडियो का ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।